तो साकेत कोर्ट में भी लगभग यही तस्वीर है। हमारे संवाददाता विनय वहां पर मौजूद रहे, वहां उन्होंने वकीलों से बातचीत की। आज क्या रुख है वकीलों का, आइए आपको सुनवाते हैं। साकेत कोर्ट के गेट बेशक खुल गए हैं, लेकिन वकीलों की हड़ताल जारी है, जिस कारण जो लोग आ रहे हैं उनको सिर्फ तारीख मिल रही है और वापस वो निराश होकर अपने घर जा रहे हैं। साकेत कोर्ट के कई एडवोकेट हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये रवैया कब तक रहेगा और लोगों के काम कब तक रुके रहेंगे। बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि कब तक काम नहीं होंगे, कब तक आप और दिल्ली पुलिस आमने सामने रहेंगे? जब तक जो एक्यूज पर्सन है, जो पुलिस वाला जिन्होंने गोली चलाया और 307 का FIR दर्ज है, अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? कोई अगर आम आदमी अगर किसी को गोली मारता, वो भी सीने में गोली मारता, तो अभी तक अरेस्ट हो गया रहता, पुलिस उसका पूरे घर उजाड़ दिया रहता। लेकिन एक पुलिस वाला गोली मारा है, वो भी वकील पे गोली मारा है, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया, क्यों नहीं अभी तक किया? जिसने अभी वो अरेस्ट करे, अभी हम लोग हड़ताल की गोली मारने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कई वीडियो आए हैं, वकील भी कई पुलिस वालों को मार रहे हैं, पब्लिक को मार रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उन वकीलों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बात कहाँ से हुई है, शुरुआत तो पुलिस वाला ने किया है, लॉकअप में बंद किया, जिसने बिना किसी का छोटी सी एक पार्किंग के झगड़ा का अंदर किया है उसको, मतलब उसको मारा पीटा, वो भी लॉकअप के अंदर पीटा है। जज सब आए हैं छुड़वाने के लिए, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। लगता है कब तक ये स्ट्राइक रखी जाए पड़ेगी? उसने गोली चलाने का आदेश दिया है, तब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाता, उसे सस्पेंड नहीं कर, टर्मिनेट नहीं कर दिया जाता ड्यूटी से, तब तक ये स्ट्राइक कंटिन्यूस रहेगी और हमारी बस यही है कि उनको अरेस्ट किया जाए। मैडम एक वीडियो सामने आया है जिसमें DCP जो महिला हैं और आप भी महिला एडवोकेट हैं, ये उसमें दिखाया जा रहा है किस तरह से उनको भगाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि किसी भी महिला से, आखिर लेकिन वो DCP भी है लेकिन महिला भी है, इस तरह का व्यवहार कहाँ तक ठीक है? देखिए जब से ये घटना घटी है, 2 नवंबर से जब से ये घटना घटी है, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, मीडिया भी बहुत सारे वीडियो को दिखा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी वीडियो की ऑथेंटिकेटेड जांच नहीं हुई है। जांच क्या होती है ऑथेंटिकेटेड, क्या उसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस वाले को एक वकील पीट रहा है, DCP को भगाया जा रहा है? पहली बात। दूसरी बात, उस वीडियो को ध्यान से देखने की जरूरत है। जब ये घटना 2 नवंबर को घटी है, कुछ पुलिसमैन हमारे वकील भाइयों को छोटे से पार्किंग विवाद पर खींच कर ले गए, मारपीट हुई, उसके बाद यहाँ तक कि उन पे अपराधियों की तरह गोली भी चलाई गई, जो गोली चलाना कहीं नहीं बनता। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण तबके से आप लोग बिलोंग करते हैं, जरा बताया जाए कि क्या हाथ में फाइल और कलम लेकर दूसरों को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ताओं को रोकने के लिए बिना आंसू गैस छोड़े, बिना हवाई फायर किए, यहाँ तक कि पैर पर भी गोली नहीं चलाई गई और सीधा सीने पर गोली चलाई गई, ये सीधा सीधा जानबूझकर हत्या करने की कोशिश थी। वो तो माँ प्रभु जी का आशीर्वाद था कि वकील साहब बच गए, नहीं तो ये 307 नहीं 302 का मुकदमा बनता, और तब भी उन दोषी अपराध कर्मियों को बचाने के लिए पुलिस इस तरह के हथकंडे अपना रही है। अब कल की बात देख लीजिए, जहाँ तक बात उस वीडियो की है, उस पे गौर से देखने की जरूरत है। जब मॉब उधर से आ रही थी तो बहुत सारे हमारे वकील भाई कह रहे हैं मैडम हट जाइए, मॉब आ रही है, मैडम हट जाइए, मॉब आ रही है। आप कहना चाह रहे हैं कि वकील उनको बचा रहे थे? बिल्कुल। देखिए अब कल की घटना ले लीजिए, अभी आप पूछ रहे थे कि कल की मीटिंग, दोनों महत्वपूर्ण हिस्से समाज के, वकील हो या पुलिस हो, जब हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने आपस में बैठकर आपसी सहमति से इस बात का निराकरण करने के लिए एक रास्ता सुझाया कि दोनों पक्ष आपस में बैठेंगे, तो आप खुद ही बताइए कि ऐसे मीटिंग्स में किसको बैठना चाहिए? ऐसे मीटिंग में मुझे लगता है उन लोगों को बैठना चाहिए जिन्हें इस बात का फैसला लेने का हक है। तो यहाँ पे जो वकील हैं ये लगातार मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी पुलिस वाले हैं उन पे कार्रवाई की जाए, और जिस तरह के वीडियो वकीलों के सामने आ रहे हैं इनको लेकर भी इनकी अपनी अलग अलग सफाई है। कैमरामैन मुकेश के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।